सभी देशवासियों को और गाज़ियाबाद के निवासियों को गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जय हिंद जय भारत। और आज जो भैया दूज का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, भाई बहन के प्रेम का, पक्के रिश्ते का जो आज त्यौहार है भैया दूज, इसकी भी गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, बुद्धम शरणम गच्छामि, जय भीम जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल और अस्सलामो अलैकुम। मैं मोहम्मद इखलाक सैफी, रोड सेफ्टी सेल ट्रैफिक सेंटिनल, दिल्ली गाज़ियाबाद छोलस वाला, आज मौजूद हूँ गाज़ियाबाद में पुराने बस अड्डे के फ्लाई ओवर के नीचे। मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के ASI गयूर साहब और कॉन्स्टेबल हमारे हैं मोहम्मद हसीन साहब और पूरे हमारे वाहन चालक मौजूद हैं, ऑटो चालक भी हैं यहाँ पर। जो मैं इनसे आज जो हमारे ट्रैफिक के यातायात अधीक्षक हैं श्याम नारायण जी और हमारे ट्रैफिक के जो CO साहब हैं महिपाल जी और ट्रैफिक के इंस्पेक्टर परमहंस तिवारी जी हैं, इन्होंने जो अपनी टीम उतारी है इसका उद्देश्य कोई भी पब्लिक को तंग करना, परिस करना, हरेसमेंट करना बिल्कुल भी नहीं है। इनका उद्देश्य केवल क्या है, आपको सही सलामत मंजिल पर पहुँचाना। आज जो भैया दूज का त्यौहार है, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, जब आप वाहन चालकों से, आप जब वाहन चलाएं तो कोई भी यातायात नियमों का पालन करें और आप हमेशा दुपहिया वाहन पर अगर चलते हैं तो आपको हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। मैं देश की उन बहनों से, गाज़ियाबाद की उन बहनों से कहना चाहता हूं जो आज जा रही हैं अपने भाइयों के पास मिलने के लिए और जा रहे हैं भाई अपनी बहनों के पास, उनसे मैं एक वादा लेना चाहता हूं, जब वो अपने भाइयों को तिलक करें तो क्या मांगें अपने भाइयों से, अपने भाइयों से एक वादा मांगें, एक कसम मांगें और उनसे मांगें कि भैया जब आप सड़कों पर चलें तो अगर दुपहिया वाहन पर चलें तो आप हमेशा हेलमेट लगाकर चलें, अगर आप कार चलाएं तो सीट बेल्ट लगाकर चलें, शराब का सेवन कर बिल्कुल वाहन ना चलाएं और आप कभी भी लाल बत्ती जंप ना करें। और क्या कहें आप अपने भाइयों से, जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो दुर्घटना हो जाती है, इसलिए आप उनसे कहें कि वाहन चलाते समय फ़ोन से बातें ना करें। और क्या कहें उनसे, जब हम जाते हैं नींद की अवस्था में अगर वाहन जो लोग चलाते हैं उनसे भी कहें कि वाहन चलाते में समय नींद अगर आ रही हो तो वाहन रोक दें और पहले नींद ले लें। मैं अपने जो स्लोगन हैं, अपने एक एक स्लोगन बताना चाहता हूँ ट्रैफिक के, जरा कैमरा में थोड़ा नज़दीक आएँ, जैसे कि ये बाइक पर चलते बनकर हीरो, बिना हेलमेट लगते बिल्कुल ज़ीरो। आप दिखाएं पूरा ऐसा करके, दिखाएं ऊपर को दिखाएं, आपकी सुरक्षा, परिवार की रक्षा, सड़क सुरक्षा पर ध्यान दें। यदि सिर को नहीं देना है रिस्क तो हेलमेट पहनो बिल्कुल फिक्स। मैंने अक्सर देखा है बहुत से हेलमेट 25 रुपये का 50 रुपये का ले लेते हैं टोपी और वो हिलता रहता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चलान से भी बचें और अपना सिर भी बचाएं। सिग्नल पर रखने हैं 3 ख्याल, हरा, पीला और लाल। और हमारे क्या नाम है आपका, मोहम्मद तस्लीम साहब ने भी हमारी ये प्लेट पकड़ी हुई है और इनसे कहते हैं मोबाइल पर यदि बात करना है ज़रूरी तो वाहन को साइड में रोकना भी है ज़रूरी, रोकना चाहिए, रोकेंगे। इधर देखें, बाइक कहे रो रो कर, टू व्हीलर हूँ फोर नहीं, मुझ पर यारो तरस करो, दो बैठो चार नहीं। ज़रा हमारे ASI साहब इधर आए मेरे नज़दीक में और ज़रा ये स्लोगन बोले आप एक बार पढ़ कर बोले, ज़रा पुरुषों महिला का सिर एक जैसा, हेलमेट लगाओ दोनों एक जैसा, जरूरी है ये, हेलमेट के बिना दोनों सुरक्षित रहेंगे, हेलमेट लगाएंगे सुरक्षित परिवार के साथ अपने परिवार में पहुंचेंगे। जी हाँ, तो ये स्लोगन है पुरुष महिला का सिर एक जैसा, हेलमेट लगाएं दोनों एक जैसा। हमारे परमपिता भगवान ने, अल्लाह ने बिल्कुल महिला का पुरुष का एक जैसा सिर बनाया, मगर मैं देखता हूँ अक्सर जो हमारे भाई होते हैं वो महिलाओं को हेलमेट नहीं लगाते, उनको भी लगाना चाहिए हेलमेट। और यहाँ देखें, अपना वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाएं। बेटा जरा इधर घूमें, थोड़ा पीछे कैमरा में जरा पीछे दिखाएं। शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है, जो हमारे देश के नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं शराब पीना ना पीना आपकी मर्ज़ी, लेकिन शराब पी के वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है, इसलिए हमें शराब पी के वाहन नहीं चलाना चाहिए। शराब पीने से हमेशा इंद्रिया वश में नहीं रहती और एक्सीडेंट हो जाता है। बेटा इधर थोड़ा कैमरामैन, जब नहीं भूल पाते पैंट में लगानी बेल्ट इसमें, तो क्या भूल जाते हैं लगाने सीट बेल्ट। अक्सर मैंने देखा है जब हम कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, हमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए और दुर्घटनाओं को रोकना चाहिए। आप खड़े इधर आए, आप
आप बैठे जरा इधर खड़ा हो। मोबाइल पर यदि बात करना है जरूरी तो वाहन को साइड में रोकना भी है जरूरी। वाहन को तेज मत चलाओ, अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ। शराब पीकर ना चलाएं गाड़ी क्योंकि हो सकती है दुर्घटना बड़ी। वाहन चलाते समय फोन पर ना करें बात, कहीं आपका जीवन ना छोड़ दे आपका साथ। सिग्नल पर रखने हैं तीन ख्याल, हरा पीला और लाल। घूमे बेटे बेटे पकड़ो ऐसे यहाँ पकड़ो, थोड़ा और घूमो, थोड़ा यहाँ दिखाओ भाई। हेलमेट से सुरक्षा की गारंटी, बिना हेलमेट सिर की नहीं है कोई भी वारंटी। अक्सर मैंने देखा जब कोई हम सामान खरीदने जाते हैं बाजार से तो वारंटी मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं, मगर सिर की गारंटी के लिए कभी भी हम नहीं कोशिश करते। हमको हेलमेट लगाना चाहिए और IS ब्रांड का लगाना चाहिए। जब लगाते हो पैंट में बेल्ट तो क्यों भूल जाते हो लगानी सीट बेल्ट। तो मैं मोहम्मद इखलाक सैफी, रोड सेफ्टी सेल ट्रैफिक सेंटिनल, आज मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के बस अड्डे पर। मेरे साथ में ASI गयूर मोहम्मद साहब मौजूद है, हमारे कॉन्स्टेबल भी इधर आए आप भी। अब दो शब्द जो गाज़ियाबाद की जनता से कहना चाहते हैं प्लीज़ सर आप कहें। हमारे साथ ये मोहम्मद इखलाक भाई हैं जो जनता को रोड सेफ्टी ट्रैफिक का काम देखते हैं और जनता को बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं, और मैं इनके साथ गयूर अहमद हूँ। मैं भी जनता की सेवा में हमेशा सरकार की तरफ से तत्पर लगा रहता हूँ, सेवा करता हूँ, जिससे कि सभी सुरक्षित यात्रा करें और अपने परिवार में सुरक्षित पहुँचे, जिससे कि हमेशा सुरक्षित बने रहे हमारे नहीं। हाँ तो बेटे आप सब वादा करते हैं, क्या बताएं क्या करेंगे, हेलमेट लगाएंगे नहीं? हाँ हेलमेट लगाएंगे। आप बताएं? हेलमेट लगा के सिर्फ चलेंगे। आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे? करेंगे। गाज़ियाबाद की जनता समझदार हो चुकी है और वो बहुत ही अच्छी है और कहना मानती है। मैं सबसे एक बार फिर कहता हूँ, शराब पी के वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर चलाएं, हेलमेट लगाकर चलाएं, नींद की अवस्था में वाहन न चलाएं, शराब के नशे में न चलाएं वाहन, रात को डीपर का प्रयोग करें, जो बड़े वाहन चालक हैं वो ओवरलोड से न चलें। तो गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सभी को आज भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस सदैव आपके साथ।